दोस्तों, फूलन देवी के बिना ना तो इंडिया के डकैती की कहानी पूरी हो सकती है और ना ही चंबल की व्याख्या पूरी होगी। एक ऐसी महिला जो बचपन में अपनी जमीन के लिए लड़ी, बालिका वधु बनी, पति द्वारा यौन शोषण झेला, गैंगरेप का शिकार बनी और आगे चलकर बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हुई। दोस्तों, फूलन देवी के सर ही उसी बहमई मैसकेयर का इल्जाम है जिसमें 22 ठाकुरों की हत्या की गई थी, जिस कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीपी सिंह को रिजाइन करना पड़ा था। लेकिन ये फूलन देवी के जीवन का अंत नहीं था। फूलन देवी चंबल के बीहड़ से निकलकर पार्लियामेंट तक का सफर तय करती हैं। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का मकसद फूलन देवी के जीवन से जुड़े इन्हीं अजीबोगरीब वाक्यों से आपको रूबरू कराना है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब मल्ला परिवार में जन्मी फूलन देवी ने बैंडिट क्वीन बनने तक का सफर तय किया। इसके अलावा फूलन देवी के सरेंडर और पॉलिटिकल लाइफ पे भी हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, फूलन देवी का जन्म 1963 में उत्तर प्रदेश के जलौन जिला स्थित गोरा का पुरवा गांव में हुआ। एक अत्यंत गरीब मल्ला परिवार में जन्मी फूलन देवी अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन से ही फूलन एक बेहद गुस्से वाली लड़की थी जो अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। ये बात सारे लोगों के सामने तभी आ गई थी जब फूलन केवल 10 साल की ही उम्र में अपने चाचा द्वारा अपनी जमीन हथियाने के विरोध में खुद से उम्र में कई साल बड़े अपने चचेरे भाइयों से लड़ गई थी। फूलन की लड़ाइयाँ इसके बाद नहीं रुकी और अक्सर उनके घर वालों को फूलन के इस तेज गुस्से के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ती। इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि तब के उत्तर प्रदेश स्थित इतने पिछड़े गाँव में एक मल्ला की बेटी का दूसरे लड़कों से लड़ जाना समाज के लिए गवारा नहीं था। इन सारे शिकायतों से तंग आकर फूलन देवी के पिता ने उनकी शादी उम्र में 3 गुना बड़े एक व्यक्ति पुट्टी लाल से करा दी। शादी के समय फूलन की उम्र 12 से 14 साल रही होगी और पुट्टी लाल लगभग 40 साल की उम्र का था। दोस्तों, शादी के समय फूलन देवी ना तो मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से एक गृहस्थ जीवन के लिए तैयार थी, लेकिन फूलन के पति पुट्टी लाल ने इन सब को नज़रअंदाज करते हुए उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया। दोस्तों, कहा जाता है कि ये इंसिडेंट या ये पूरा समय जो फूलन को अपनी पति के साथ गुजारना पड़ा, इसने फूलन देवी की मानसिकता के ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट डाला। फूलन इस मुसीबत से कई बार बचकर अपने घर भाग कर आया करती थी, लेकिन माँ बाप द्वारा उन्हें दोबारा पति के पास भेज दिया जाता था, जहाँ फूलन को उसी ज़बरदस्ती के साथ हर रात गुजरना पड़ता था। एक बार जब फूलन अपने पति के घर से भागकर अपने पिता के पास आई तो उनके पिता ने फूलन से पीछा छुड़ाने के लिए पुलिस में एक झूठी शिकायत दर्ज करवाई कि फूलन ने उनकी सोने की अंगूठी चुराई है। पुलिस फूलन को अरेस्ट कर लेती है और कहा जाता है कि लॉकअप में गुजारे 2-3 रातों के दौरान पुलिस वालों द्वारा वहां भी फूलन का रेप किया गया था। दोस्तों, जेल से छूटने के बाद फूलन देवी को उनके पिता द्वारा वापस पति के पास भेज दिया जाता है, लेकिन इस बार फूलन अपने पति के पास पहुंचती हैं तो पता चलता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद भी फूलन कुछ समय वहीं रहती हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें शादी के समय मिले सामान के साथ पिता के घर वापस भेज दिया जाता है। इस समय तक फूलन देवी का नाम मल्ला कम्युनिटी के लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने लगा था और गांव में रहते हुए फूलन की भी पहचान उन लोगों से होने लगी थी जो चंबल के डकैत के गिरोह में हुआ करते थे। 1979 में अचानक एक दिन फूलन चंबल पहुंच जाती हैं। इसके पीछे 2 कहानी बताई जाती हैं। एक कहानी के अनुसार चंबल में मल्लाहों का एक गैंग, जिसमें फूलन देवी के गाँव के कुछ लोग भी थे, उन्होंने उसके अंदर के बागी को देखते हुए उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वहीं दूसरी कहानी के अनुसार चंबल के डाकुओं के एक गैंग ने फूलन देवी का अपहरण कर चंबल ले गए। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ से फूलन देवी की कहानी का वो स्टेज शुरू होता है जिसने उसे आगे चलकर बैंडिट क्वीन बनाया। दोस्तों, 1979 में चंबल पहुंचने के बाद फूलन देवी जिस ग्रोह का हिस्सा बनी, उसे बाबू गुर्जर नाम का एक डाकू लीड करता था। उस गैंग का डिप्टी विक्रम मल्ला था, जो फूलन देवी की जाति का था। कहा जाता है कि शुरू से विक्रम मल्ला का फूलन देवी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था। पहला तो विक्रम का भी मल्ला जाति से बिलोंग करना और फूलन देवी के ऊपर हुए अत्याचारों ने विक्रम मल्ला को फूलन देवी के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। दोस्तों, इसी बीच गैंग के लीडर बाबू गुर्जर की नीयत फूलन देवी के प्रति खराब होने लगती है और एक रात वो फूलन देवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है।
फूलन के शोर मचाने पर विक्रम मल्ला वहां आता है और उसकी बाबू गुर्जर के साथ कहासुनी हो जाती है। ये लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि विक्रम मल्ला अंत में बाबू गुर्जर को गोली मार देता है और खुद गैंग का लीडर बन जाता है। दोस्तों, इसके बाद विक्रम मल्ला और फूलन देवी के प्यार की बातें पूरे गिरोह में फैल जाती हैं। विक्रम मल्ला फूलन देवी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है और उनका गिरोह लूटपाट और किडनैपिंग जैसे क्राइम करने वापस से शुरू कर देता है। दोस्तों, इसी बीच फूलन देवी पूरे गिरोह के साथ अपने पति पुट्टीलाल के गांव जाती है और उसे घर से निकाल बीच चौराहे पे मारकर अधमरा कर देती है। इसके बाद फूलन देवी सबके सामने ये ऐलान करती है कि यदि आज के बाद इस गांव में कोई भी किसी बच्ची से शादी करता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है तो वो फूलन देवी की गोली का शिकार बनेगा। अपने इस फरमान के लिए फूलन देवी वहां एक प्रॉपर नोट छोड़कर आती हैं। दोस्तों, जहां एक और फूलन देवी धीरे धीरे चंबल में अपनी पहचान बना रही होती हैं, वहीं बाबू गुर्जर के साथ काम करने वाले दो व्यक्ति श्रीराम और लाला राम जेल से रिहा होते हैं। जब विक्रम मल्ला ने बाबू गुर्जर की हत्या की तो ये दोनों जेल में थे। जेल से निकलने के बाद ये अपने गिरोह में वापस जाते हैं, जहां ये विक्रम मल्ला के ऊपर एक औरत के कारण अपने सरदार की हत्या करने का इल्जाम लगाते हैं। दोस्तों, उसके अलावा बाबू गुर्जर की गैंग में राजपूत और मल्ला दोनों जाति के लोग थे, लेकिन राजपूतों की संख्या ज़्यादा थी। श्रीराम और लाला राम खुद भी राजपूत थे और उन्होंने विक्रम मल्ला के विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हुए गैंग को जाति के आधार पर तोड़ डाला। ज़्यादातर मेंबर जो राजपूत थे वो श्रीराम और लाला राम के साथ हो लिए और कुछ मेंबर्स के साथ विक्रम मल्ला किसी तरह से फूलन देवी के साथ बच निकलता है, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद श्रीराम गैंग विक्रम मल्ला की हत्या कर देती है और वो फूलन देवी को पकड़कर उत्तर प्रदेश स्थित अपने गांव बेहमाई ले जाती है। दोस्तों, यहां फूलन देवी के साथ जो होता है वो हर इंसान को शर्मसार करने वाली बात है। 3 हफ्तों तक श्रीराम गैंग द्वारा फूलन देवी के साथ लगातार रेप किया जाता है। कहा जाता है कि 3 हफ्तों तक चले इस सामूहिक रेप में 3 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल थे। इस सिचुएशन में किसी को ये उम्मीद नहीं रहती कि फूलन देवी यहां से जीवित बच पाएंगी, लेकिन विक्रम मल्ला के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति मान सिंह मल्ला 3 हफ्तों के बाद अपने 2 अन्य साथियों की मदद से बहमाई गांव से फूलन देवी को बचा के ले जाता है। इसके बाद मान सिंह मल्ला पूरे बिहार के मल्ला बागियों को जोड़ने के काम में लग जाता है और फूलन देवी द्वारा लेड एक नए मल्ला गैंग की स्थापना करता है। 3 हफ्ते चले गैंगरेप के ठीक 7 महीने बाद फूलन देवी गैंग को ये खबर मिलती है कि बहमाई में श्रीराम गैंग के सदस्य एक ठाकुर फैमिली की शादी में जमा हुए हैं। फूलन देवी 14 फरवरी 1981 के दिन अपने गिरोह के साथ पुलिस की वर्दी में बहमाई पे हमला बोलती है, लेकिन इस शादी में श्रीराम गैंग के केवल 2 सदस्य पकड़े जाते हैं और बाकी भाग निकलते हैं। फूलन देवी का इस गांव के प्रति गुस्सा इतना प्रचंड था कि उसने शादी में आए सारे ठाकुर जाति के मर्दों को कतार में खड़ा करने का हुक्म दिया। कुल 22 लोग थे और फूलन देवी ने सारे के सारे 22 ठाकुरों को गोली से छलनी कर दिया। दोस्तों, इसी इंसिडेंट को इंडिया की डकैती की हिस्ट्री में बहमाई मैस्केयर के नाम से जाना गया। इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई और फूलन देवी का नाम घर घर तक जा पहुंचा। इसी इंसिडेंट के बाद मीडिया द्वारा फूलन देवी को बैंडिट क्वीन का टाइटल दिया गया। इस मैस्केयर ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की राजनीति पे गहरा इम्पैक्ट डाला। दोस्तों, हमारे देश में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स उस समय और प्रबल थी और इस इंसिडेंट द्वारा जन्मे राजनीतिक तूफान में तत्कालीन उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह को रिजाइन करना पड़ा। दोस्तों, बहमाई इंसिडेंट के बाद फूलन देवी के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई तेज हो जाती है। अगले 2 सालों तक पुलिस फूलन देवी गैंग के कई मेंबर्स को अपना निशाना बनाती है, लेकिन इन सब के बावजूद फूलन देवी पुलिस के हाथ नहीं आती। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। बहमाई इंसिडेंट के बाद उन्होंने फूलन देवी पे अपनी नज़र बना रखी थी और 2 सालों तक चले पुलिस हंट, पॉलिटिकल टर्मोइल और प्रोटेस्ट के बाद इंदिरा गांधी भिंड के SP राजेंद्र चतुर्वेदी द्वारा फूलन देवी के सरेंडर की बात को आगे बढ़ाती हैं। इन 2 सालों में फूलन देवी का गैंग तो कमज़ोर हो ही गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब फूलन देवी की तबीयत भी खराब रहने लगती है। पुलिस द्वारा लेड एग्रेसिव एक्शन और बिहड़ में जो मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा था, 2 सालों के बाद फूलन देवी सरेंडर की टर्म्स पे बात करने को तैयार हो जाती हैं। इस सरेंडर के लिए फूलन देवी 6 शर्तें रखती हैं।
फूलन की डिमांड ये थी कि वो मध्य प्रदेश में सरेंडर करेंगी, ना कि उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा फूलन देवी का कहना था कि वो पुलिस या नेता के सामने अपने हथियार नहीं डालेगी, बल्कि दो तस्वीरों के सामने जिनमें एक महात्मा गांधी और एक माँ दुर्गा की होगी उनके सामने अपने हथियार रखेगी। दोस्तों फूलन देवी की ये भी शर्त थी कि उनके सरेंडर के बाद उन्हें या उनके गैंग के किसी भी मेंबर को फांसी की सज़ा नहीं होगी। इसके अलावा उनके गैंग के किसी भी मेंबर को 8 सालों से ज़्यादा की सज़ा नहीं होगी और उनके जेल से रिहा होने के बाद गवर्नमेंट उन्हें ज़मीन देगी जिससे वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकेंगी। इन कई शर्तों को गवर्नमेंट मान लेती है और भिंड में 13 फरवरी 1983 के दिन फूलन देवी अपने गैंग के साथ सरेंडर कर देती है। दोस्तों फूलन देवी की सरेंडर को ओवरलुक करने तमाम आला अधिकारियों के अलावा मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह भी वहां मौजूद थे और इस ऐतिहासिक लम्हे को देखने हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस सरेंडर के बाद फूलन देवी को जेल लेकर जाया जाता है और वो अगले 11 सालों तक जेल में रहती हैं। इस बीच फूलन जेल में रहते हुए अपना इलाज भी करवाती हैं और 1994 में मेडिकल ग्राउंड्स पे जेल से पैरोल मिलता है। दोस्तों जेल से बाहर आने के बाद ही फूलन देवी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है और तब के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव फूलन देवी के विरुद्ध दायर सारे केसेस वापस लेने का फैसला लेते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहमाई मेस्केयर समेत फूलन देवी के अगेंस्ट फाइल सारे केसेस वापस ले लेती है। दोस्तों जेल से बाहर आने के बाद फूलन देवी उम्मीद सिंह नाम के एक व्यक्ति से शादी करती हैं और दोनों 1995 में एक बुद्धिस्ट टेंपल में अपना धर्म परिवर्तन कर बुद्धिज्म अपना लेते हैं। इसी बीच मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से समाजवादी पार्टी के टिकट पे लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ने का ऑफर देते हैं। इस चुनाव में फूलन देवी विजय होती हैं और पूरा देश चंबल के बिहड़ से पार्लियामेंट तक तय किए गए फूलन देवी के सफर से चौंक जाता है। फूलन देवी 1996 से 1998 तक मिर्जापुर की एमपी रहती हैं, लेकिन 1998 में हुए अगले चुनाव में वो हार जाती हैं। देश उस समय एक पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा होता है और 1999 में हुए अगले इलेक्शन में फूलन देवी उसी सीट से दोबारा जीत दर्ज करती हैं। दोस्तों कहा जाता है कि हर गोली के ऊपर उसके निशाने का नाम लिखा होता है और कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले लेकिन उसकी किस्मत की गोली उस तक किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। फूलन देवी ने सालों तक अपनी किस्मत में लिखी गोली से दूरी बनाए रखी लेकिन एक दिन वो उन तक पहुंच ही गई। 1999 में मिर्जापुर सीट से इलेक्ट होने के बाद फूलन देवी अगले 2 सालों तक संसद में बनी रहती हैं। 2001 में पार्लियामेंट सेशन अटेंड कर रही फूलन को ये पता भी नहीं था कि शायद उनकी मौत उनके इतने सामने है। 25 जुलाई के दिन फूलन देवी पार्लियामेंट से दोपहर 1:30 बजे अपने घर लंच के लिए आती हैं और जैसे ही वो अपने सरकारी आवास के अंदर जाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरती हैं, पास के एक मारुति 800 कार से 3 नकाबपोश उतरते हैं और उनपे अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देते हैं। फूलन देवी को सर, हाथ और बॉडी पे कुल 9 गोलियां लगती हैं और उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है। बीहड़ और जेल में जिंदगी गुजारने के बाद फूलन को जब लगने लगा था कि उनकी पिछली जिंदगी उनसे दूर जा चुकी है, ये गोलियां उनका भ्रम तोड़ देती हैं। पास के ही राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों फूलन देवी का प्राइम मर्डरर खुद 2 दिनों बाद मीडिया के सामने बयान देकर अपना गुनाह कबूल करता है। शेर सिंह राणा नामक इस व्यक्ति का कहना था कि उसने फूलन देवी से बहमई मैस्केयर के दौरान हुई ठाकुरों की हत्या का बदला लिया है और वो पुलिस के आगे सरेंडर कर रहा है। दोस्तों शेर सिंह राणा की भी एक रोचक कहानी है। सरेंडर के बाद शेर सिंह राणा ने क्लेम किया था कि वो तिहाड़ जेल से भाग जाएगा और वो भाग भी जाता है। इसके बाद शेर सिंह राणा का अफगानिस्तान जाना और वापस से पकड़ा जाना एक दूसरी कहानी का हिस्सा है। यदि आप चाहते हैं कि हम उस कहानी को भी आपके साथ साझा करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फूलन देवी के मर्डर के बाद शेर सिंह राणा को दिल्ली कोर्ट 2014 में उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। इस केस में रेस्ट 10 एक्यूज्ड को कोर्ट लैक ऑफ एविडेंस के बेस पर रिहा कर देती है, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा शेर सिंह राणा को भी 2016 में बेल मिल जाती है। तब से ये केस हाई कोर्ट में लंबित है। तो दोस्तों ये थी कहानी फूलन देवी की। इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।